ब्रेक में चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली में पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान का विरोध किया है, नारेबाजी कर रहे हैं। लाहौर में दरअसल महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति तोड़े जाने का ये लोग विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि पाकिस्तान में दूसरी बार महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ा गया था। ये तस्वीर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर। वहां पर उन्होंने नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किया है। 2019 में लाहौर में मूर्ति का अनावरण हुआ था। पाकिस्तान के नेताओं ने भी हालांकि इस घटना की निंदा की है। भारत ने पुरजोर तरीके से इसका विरोध दर्ज कराया है पाकिस्तान के सामने, और ये कहा गया है भारत की ओर से कि पाकिस्तानी समाज में असहिष्णुता बढ़ रही है, और जिस तरीके से महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा तोड़ी गई, ये पाकिस्तान के अंदर बढ़ती असहिष्णुता का प्रतीक है। और अब इसके विरोध में आप देखिए बीजेपी का ये प्रदर्शन पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। मधुरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। मधुरेंद्र, महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा इसको तोड़े जाने का चौतरफा विरोध हो रहा है, पाकिस्तान भी बैकफुट पर है, और अब एम्बेसी के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। देखिए बिल्कुल, ये प्रदर्शन अभी चल रहा है, खासतौर से पाक उच्चायुक्त के बाहर जो ये प्रदर्शन है वो रणजीत सिंह की मूर्ति भी तोड़ी गई है उसके खिलाफ है, और जो जोश है, जो गुस्सा है इस मूर्ति को तोड़ने पर, क्योंकि पहली बार नहीं, तीसरी बार मूर्ति लाहौर में तोड़ी गई है, और इस मूर्ति तोड़े जाने पर जिस तरह पाकिस्तान सरकार की चुप्पी है, और खासतौर पर जो प्रोटेक्शन देने की बात बार बार कही जाती है और नहीं दी गई, उसको लेकर रोष जाहिर करते हुए बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो कि इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, और डिप्लोमेटिक एरिया है पाक उच्च आयुक्त के ठीक बाहर ये प्रदर्शन जोर शोर से चल रहा है। हालांकि प्रदर्शनकारी से कहीं ज्यादा हम देख रहे हैं कि पुलिस फोर्स जो है वो वहां पर मौजूद है, प्रदर्शन को आगे बढ़ने से रोकने में कामयाब भी दिख रही है। बावजूद इससे ये रोष और गुस्सा बतलाता है कि किस तरह से महाराजा रणजीत सिंह की मूर्ति को तोड़ा जाना लाहौर में, यहाँ पर भारत में एक बड़े सेंटीमेंट को करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इस तरह का प्रदर्शन सड़कों पर हो रहा है। मधुरेंद्र, 2019 में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा का अनावरण लाहौर में हुआ था, उसके बाद से तीसरी घटना है जब उनकी मूर्ति से छेड़छाड़ हुई, तोड़ा गया। पाकिस्तान के हुक्मरान अपने लोगों को काबू में नहीं कर पा रहे। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो कि लगातार कोशिश करता रहा है कि सिख समुदाय को अपने साथ जोड़े और भारत के खिलाफ उन्माद फैलाएं, उसी सिख समुदाय के और यूं कहें कि पूरे भारतीय समाज के एक बड़े नायक के प्रति जो है वो महाराजा रणजीत सिंह हैं, उनकी मूर्ति को वो नहीं बचा पा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ एक बार और एक्सपोज नहीं हो रहा, बल्कि दुनिया देख रही है कि किस तरह से वो अपने सांस्कृतिक धरोहर को नहीं बचा सकता, वो अपने समाज के सबसे बड़े अग्रणी लोगों के, जिनसे लाखों लोग प्रभावित हो सकते हैं, आने वाली युवा पीढ़ी प्रभावित हो सकती है, उनके प्रतीकों को नहीं बचा सकता। तो ये पाकिस्तान का जो एकदम छद्म चेहरा है जो अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है, उसके ठीक उलट ये मूर्ति का तोड़ा जाना अपने आप में गवाही देता है कि पाकिस्तान न अल्पसंख्यकों के लिए सुरक्षित है, न वो राष्ट्रीय विरासतों को लेकर सुरक्षित है, और ना ही वो हम कहेंगे कि सांस्कृतिक विरासत के और धरोहर की रक्षा कर सकता है। जी ठीक है, चलिए मधुरेंद्र हमसे जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये तस्वीरें पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर की तस्वीरें हैं दिल्ली में, जहां पर बीजेपी के लोग पहुंचे हुए हैं बड़ी संख्या में। पाकिस्तानी दूतावास के बाहर जोरदार प्रदर्शन, जोरदार नारेबाजी, और देखिए जो जवान पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर सुरक्षा में लगे हुए हैं, काफ़ी उन्हें मशक्कत करनी पड़ी थी। अब दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर वही है जिसको लेकर ये पूरा हंगामा जहाँ से शुरू हुआ, लाहौर किले के बाहर महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा लगी हुई है, और इस दौरान एक शख्स वहाँ पर सफ़ेद पैजामे कुर्ते में पहनता है, पहुँचता है, और उसने पहले इसे उखाड़ने की कोशिश की, फिर उसे तोड़कर गिरा दिया महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को। आप देखिए ये तस्वीरें। इसके बाद भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराया था। विरोध दर्ज कराने के बाद पाकिस्तान बैकफुट पर है। पाकिस्तान के कई मंत्रियों ने इसकी निंदा भी की, लेकिन 2019 में इस प्रतिमा का अनावरण हुआ था, उसके बाद से तीसरी घटना है जब अब महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया गया है, और इसी के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन।